Hi guys, this is Dheeraj Dhupal. I'm Sneha Singh. And you guys are watching us on Cine Talkers. वेलकम टू सिने टॉकर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारी है, झलक दिखला जो हमें क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। किस तरीके की तैयारी और क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस है? हम तो काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दें। एंड अभी तो एक ही एपिसोड हुआ है तो जारी है ट्रेनिंग। अब देखते हैं आगे, वी विल ट्राई अवर बेस्ट एंड गिव अवर बेस्ट परफॉर्मेंसेस एंड आई होप यू गाइस विल लाइक अस ऑन द शो। धीरज, आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा डेली सोप करना है लेकिन कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डांस परफॉर्म करना इस तरीके से जज के सामने, तो क्या कहेंगे इस पे आप? यार, रियलिटी ना मेरे लिए बहुत नया स्पेस है एज एन एक्टर। मैंने कभी रियलिटी शो किया नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट रियलिटी शो और मैं बहुत कुछ सीखने के लिए आया हूँ यहाँ पर, डांस के अलावा भी, कि कैसे रियलिटी में कितनी एनर्जी, कैसे काम होता है, कैसे कंटेंट क्रिएट होता है, सब कुछ। सो एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू फॉर मी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हैविंग अ लॉट ऑफ फन। सो फर्स्ट, कैसा इंटरेक्शन रहा मैम के साथ एंड क्या कहना चाहेंगे जज के साथ जब मिले तो क्या कुछ है? ग्रेट यार, दे आर मास्टर्स इन देयर ओन क्राफ्ट्स एंड ऑल। मतलब उनके बारे में क्या बोलें, दे आर लाइक गॉड। सो उनके सामने परफॉर्म करना इटसेल्फ इज़ एन एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ देम, थ्री ऑफ देम, करण सर, माधुरी मैम एंड नोरा, आई थिंक दे स्टनिंग पीपल। मज़ा आता है उनके साथ काम करके, उनके सामने काम करके। वेल, अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं तो उनको किस तरीके का टफ कंपटीशन देते हैं या आपको कौन आपका टफ कंपटीशन लगता है? यार अभी तो कुछ भी कंपटीशन ऐसा नहीं है कि टफ है या इजी है। इट्स जस्ट इट्स अ बिगनिंग ऑफ द शो, वी आर जस्ट मिक्सिंग अप वेल विद ईच अदर एंड अभी तो एक दूसरे को पहचान रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, वी आर हैविंग फन। स्लोली स्लोली व्हेन द कंपटीशन विल राइज, आई थिंक देन वी विल गेट टू नो हु इज परफॉर्मिंग बेटर। अगर बात की जाए तो आप लोग किस तरीके के बॉन्ड शेयर करते हैं एंड किस तरीके से धीरज आप जो भी सिखाते हैं किस तरीके से उस चीज़ क्या बताएंगे? ही इज़ वेरी स्वीट। अब एक तो ये इतने ओबीडियंट है कि आज मैं नहीं रहूँगा। ये आ जाते हैं, अच्छे से सीखते हैं, ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ वेरी जेंटल, तो उस वे में हमारी एक अच्छी सी वाइब बन गई है। जब रिहर्सल हॉल में जैसे ही आते हैं एक बहुत अच्छी एनर्जी रहती है एंड देयर इज़ नेवर केओस और ऐसे जल्दबाजी। वो भले 2 घंटे के लिए आए या 3 घंटे के लिए आए बट वो जितना भी टाइम आते बड़े आराम से आके अच्छे से करके जाते हैं एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट हिम एंड माई टीम एंड हीज टीम। वी हैव लाइक बिकम रियली गुड फ्रेंड्स एंड हम चिल कर नहीं पाते इतना बट रिहर्सल में जितना टाइम रहता है बहुत ही अच्छा टाइम बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लास्टली जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है? गाइस, वॉच मी एंड स्नेह ऑन झलक एंड गिव अस अ लॉट ऑफ लव थ्रू योर वोट्स, थ्रू योर कमेंट्स एंड इफ यू वॉन्ट टू सी द सेक्सीएस्ट जोड़ी, द हॉटेस्ट जोड़ी ऑन झलक दिखला जाए, दैट्स मी एंड स्नेहा फॉर यू एंड सो वॉच अस एंड गिव अस योर रिव्यूज। हां, स्नेहा आप क्या कहेंगे? Same things, yeah. Copy paste.